Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी. तो हम लोग बार बार इसे एपी भी बोलते रहेंगे. देखते हैं क्या होता है एपी. A list of numbers in which the difference between any two consecutive terms is constant. कहने का मतलब यह है कि अगर बहुत सारे नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, यही वो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, और ये नंबर्स इस तरह अरेंज किए गए हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है यानी कि a2 माइनस a1 वो भी आ जाए कोई कांस्टेंट नंबर, मान लिया d. इसके बाद इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2, ठीक है, ये भी आ जाए d. हर बार हम लोग निकालते चले जाएं तो वो डिफरेंस सेम आए, यानी कि हमेशा अपर टर्म माइनस लोअर टर्म या लेटर टर्म माइनस अर्लियर टर्म, ऐसा करना है. ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं आप. ए वन माइनस ए टू करते हैं तब डी नहीं आता, माइनस डी आ जाता. ठीक है, लेकिन एपी की कंडीशन ही ये है कि जितने भी टर्म्स लिखे हैं अगल बगल वाले कोई भी दो टर्म उठाइए, उनका डिफरेंस निकालिए, तो वो सेम डिफरेंस आना चाहिए. जैसे कि हम लोग एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2, 5, 8, 11, ठीक है, चलता चला जा रहा है. तो इधर मान लीजिए हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 माइनस 2, 3 आ रहा है. यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 माइनस 5, तब भी 3 आ रहा है. यहां पे क्या आ रहा है, 11 माइनस 8, यहां पे भी 3 आ रहा है. अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप जरा कमेंट्स में बताइए कि क्या 31 इसका टर्म होगा या नहीं होगा. तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इस एपी का 31 टर्म हो भी पाएगा या नहीं. इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो पूरे टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको. खैर, इस तरह के क्वेश्चन में आगे करा भी दूंगा. दिस कांस्टेंट डिफरेंस डी 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 इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. ठीक है, इसका नाम अब हम लोग पूरे इस चैप्टर में बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, और डी से डिनोट करेंगे. एक बार फिर से लिखा अपनी एपी को, और इन सब को चाहे ऐसे लिखें एपी को चाहे ऐसे लिखें एक ही बात है, इन सब को ये सेम चीज लिखी हुई है यहां पर. यहां पे A4 है, कोई दिक्कत नहीं है. इन सब को क्या कहेंगे, एक नाम से टर्म्स ऑफ द एपी. ठीक है, टर्म्स ऑफ द एपी. इसमें से ये वाला क्या होगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है यहां पे, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म. ठीक है, उसी तरह इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म, कोई बड़ी बात नहीं. उसी तरह थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, है ना, इसको क्या बोलेंगे, एन माइनस वनथ टर्म. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, nth टर्म. तो अभी तक हमारे पास a भी था और d भी था, ये भी तुम लोगों ने सीखा था कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, a2 माइनस a1 क्या है, d है, और d d d d सब जगह ही डिफरेंस चलता जा रहा. तो हमारे पास नाम क्या क्या हुए, एक तरीके से नाम हुए ai. ai इसलिए बोल रहा हूं जहां पे i हमारा जाएगा 1 से लेकर n तक, है ना, आई जाएगा 1 से लेकर n तक. ठीक है, तो ai हमारा कैसा है, रियल नंबर है. रियल नंबर मतलब कोई भी वैल्यू ले सकता है, यानी कि कोई भी टर्म हमारा कुछ भी वैल्यू ले सकता है, जैसे कि 1, 3, 8, 7, -2, -5, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले सकता है, 0 भी ले सकता है, √2, √5, π, 1/8, 23/92, कुछ भी वैल्यू ले सकता है. यानी कि रियल नंबर्स है तो सब कुछ आ जाएगा, रैशनल इरेशनल रूट वाले सब
आ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाएंगे। तो जब अगर ए टू भी रियल है, ए वन भी रियल है, ए थ्री भी रियल है, ए फोर भी रियल है, तो ए टू माइनस ए वन भी रियल होगा, यानी डी भी रियल होगा। तो ये टर्म्स ऑफ द एपी रियल नंबर्स हो गए, कॉमन डिफरेंस भी हमारा रियल नंबर हो गया। ठीक है, ये रियल नंबर्स हैं, ये खूब सारे हैं, ये अकेला है, ये भी रियल नंबर है, बट एन हमारा क्योंकि 1, 2, 3, 4 एन तक ही जा रहा है, तो एन हमारा या आई हमारा 1 से लेके एन तक जा रहा है, तो एन हमारा नेचुरल नंबर ही होगा। आई अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप इसको इस तरह ना पढ़िए, आप इसको इस तरह पढ़ लीजिए कि भाई ये जितने भी टर्म्स हैं ए वन ए टू से लेके ए एन तक, ये सारे रियल नंबर्स हैं, उनके किसी भी दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस भी रियल नंबर है, और जो इनका काउंटिंग है वो तो नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर सेम होते हैं। कुछ बुक्स में एपी के टर्म्स का नाम ए वन ए टू ए थ्री ए एन तक होता है, कुछ बुक्स टी वन टी टू टी थ्री टी एन तक होता है, तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही चीजों को डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे चैप्टर में हम लोग जाएंगे तो ए वन को हम लोग डिनोट करेंगे ए से, यानी फर्स्ट टर्म हमारा ए बन जाएगा और एनथ टर्म हमारा ए एन बन जाएगा, यहां कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग इसे लास्ट टर्म भी कहेंगे, जब इसे लास्ट टर्म कहेंगे इसका एक और नाम हो जाएगा लास्ट टर्म, तब नाम एल हो जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो याद रखिएगा फर्स्ट टर्म ए है और लास्ट टर्म एल है, और ए एन भी लास्ट टर्म जैसा फंक्शन कर सकता है। वैसे आपको बता दें कि ए एन बहुत अच्छा नंबर है, वो सबको रिप्रेजेंट करने का भी क्षमता रखता है। जैसे कि अगर हम लोग एन की वैल्यू 1 डाल दें तो ए वन हो गया, वो फर्स्ट टर्म हो गया। एन की वैल्यू 7 डाल दें तो ए 7 हो गया, सेवेंथ टर्म हो गया। ए एन अगर नंबर ऑफ टर्म्स ही एन तक है या आई तक है या आर तक है, तो एन की उसके अकॉर्डिंग वैल्यू डाल देंगे तो एनथ टर्म आ जाएगा, आई एथ टर्म आ जाएगा, आर एथ टर्म आ जाएगा। तो एक तरीके से ए एन आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जनरल टर्म की तरह भी फंक्शन करता है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये बोला था कि भाई ये दोनों का डिफरेंस डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन है। ठीक है, उसी तरह यहां पे दोबारा हम लोग बोल सकते हैं डी इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, है ना, इधर भी करते चले जाएंगे। उसी तरह यहां फिर से हम लोग बोल सकते हैं डी इज इक्वल टू ए एन माइनस वन, यानी कि हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि कहीं से भी आप दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठा लीजिए उनका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। ये तो एपी की डेफिनेशन ही है, उससे ये कंडीशन निकल कर आ जाती है। अब इसे एक बार और समझो, मान लो हम लोग कह रहे थे ना कि फर्स्ट टर्म का नाम हम लोग ए दे देते हैं। ठीक है, सही है, ए दे दिया, हमें पता है इन दोनों का डिफरेंस डी है, इन दोनों का डिफरेंस डी है, तो यार इन दोनों का डिफरेंस भी डी होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी डी होगा। अगर हमें ए टू ऑप्टेन करना है तो ए वन में डी एड कर दें तो ए टू आ जाएगा, लेकिन ए वन को हम लोग ए मान चुके हैं, तो ए टू को क्या हम लोग ए के टर्म्स में ए प्लस डी नहीं लिख सकते हैं? भाई इन दोनों का डिफरेंस डी है, ऐसे यहां से देखो D इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, ए वन को उधर भगा दो, ए वन प्लस डी इज इक्वल टू ए टू, लेकिन ए वन को हम लोग ए मान चुके हैं, तो ए प्लस डी, ए टू क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। चलो ए टू की वैल्यू ए प्लस डी आ गई, अब हम लोग इसको देखते हैं, तो ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू डी। ठीक है भाई, अब ए थ्री कैलकुलेट करना है, थर्ड टर्म लाना है हम लोगों को, तो ए थ्री तो कैलकुलेट ही करना है, कुछ कर नहीं सकते। ए टू की वैल्यू हम लोग ए प्लस डी ला चुके हैं,
ठीक है, तो a प्लस डी को उधर भगाओ, a प्लस डी यहां आ गया, प्लस में आ जाएगा एक और d, तो a3 क्या आ गया, a प्लस 2d, सही है। अब यार आप गेस कर सकते हो, a1 a था, a2 में एक d जुड़ा, a3 में दो d जुड़े, तो a4 में एक और d जुड़ जाएगा, आप बना सकते हो 3d, है ना, a प्लस 3d, तो ये a1 a2 a3 a4 लिख गए। अब यहां पर कैसे लिखें, मान लो सीधा हम लोग an माइनस वन को नहीं लिख रहे हैं, पहले an को लिख लेते हैं, तो an को कैसे लिखेंगे, अब सोचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप देखो यहां पे 2 था तो यहां पे 1d है, यहां पे 3 है तो यहां पे 2d है, यहां पे 4 है यानी 3d है, यानी एक पीछे चल रहा है, जो ये नीचे सबस्क्रिप्ट में नंबरिंग चल रही है उससे एक पीछे चल रहे हैं, तो n से भी यार एक पीछे चलोगे, हर बार a a a a तो मिल ही रहा है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, an को निकालने के लिए a प्लस तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि हर बार a प्लस तो चल ही रहा है, एक पीछे आओ तो n माइनस वन इंटू डी, अब इससे भी एक पीछे आ जाओ ये भी लिख डालो, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि an ये हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के टर्म्स में हम लोग पूरी एपी को दोबारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर से बोल रहा हूं, दिस एंटायर एपी इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। बहुत देर से देख रहे होंगे आप लोग, इसको सही कर लेते हैं थोड़ा, है ना, ए एन माइनस वन होगा, ठीक है ना, बड़ा टर्म माइनस छोटा टर्म, 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 तो याद रखिएगा बड़ा का मतलब है आगे वाला टर्म। अच्छा ये भी कोई जरूरी नहीं है, बड़ा छोटा कोई जरूरी नहीं है कि a2 हमेशा a1 से बड़ा है, ये याद रखिएगा, d जो है आपका पॉजिटिव होगा तो आगे बढ़ते चले जाएंगे टर्म, d आपका नेगेटिव होगा तो आगे टर्म घटते चले जाएंगे, d आपका जीरो भी हो सकता है तो यहां पे टर्म जो हो रहे हैं वो लगातार सेम हो जाएंगे, है ना। अभी तो हम लोगों ने ये चीज एस्टेब्लिश की है कि एपी हमारी कैसी होती है, a a प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए से लेकर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, तो इससे हम लोग को जनरल टर्म भी मिल रहा है। अब यहां पर बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, तो चलो अगर जीरो होगा तब क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये a कॉमा a, ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा पूरा, ये भी a हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी केवल a बचेगा, तो सारे टर्म हमारे यहां पे एक ही जैसे दिखाई देंगे, a a a a a, तो एपी हमारी ऐसी दिखाई देगी। तो ये कोई एपी मतलब बहुत मजेदार एपी नहीं है, लेकिन इसे कहेंगे कॉन्स्टेंट एपी, इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट एपी। यहां पर इसका आप एग्जांपल लिख सकते हैं, एग्जांपल क्या है, टू 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 टू, हर बार क्या है, डिफरेंस जीरो है, तो कॉन्स्टेंट एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है, वो बात मैंने यहां पे लिख भी दी है। अब इसके बाद मान लीजिए यहां पर क्या हो रहा है कि लगातार हमारी एपी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव है, तो 8, 11 और मान लीजिए 14 डॉट 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 चलता चला जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है कि d आपका ग्रेटर देन जीरो, आप किसी नंबर पे खत्म भी कर सकते हैं और नहीं भी खत्म कर सकते हैं, अभी ये सब भी बताऊंगा मैं, तो d ग्रेटर देन जीरो हो गया। अब इधर मान लीजिए उल्टा हम लोग कर देते, कोई हम लोग 12 से शुरू कर रहे हैं, तो 12
10 और 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, चलता चला जा रहा है। यहां पे d जो है वो लेस देन 0। देखो यहां पे क्या, यहां पे कॉमन डिफरेंस d है, इधर इन दोनों से देखो तो कॉमन डिफरेंस है क्या, हमने a2 - a1 a2 - 5 - 2 3 है। इधर भी देखो a2 - a1 10 - 12 यानी -2। यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या है, d इज इक्वल टू -2, इसीलिए हम कह रहे हैं कि d इज ग्रेटर देन 0 और यहां पे d इज लेस देन 0, यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस क्योंकि रियल नंबर है वो सारे साइन रख सकता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सब कुछ हो सकता है, सारे टर्म्स भी हमारे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो रियल नंबर्स होते हुए सब कुछ हो सकते हैं।